एक इनकलाब पाल रही हूँ। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेर बाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने का मकसद, ऑनरेबल कोर्ट दादू मॉडल कोर्ट में हमारी हेयरिंग थी और आप सब देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम, सिंध की मजलूम आवाम देख रही है कि चार सालों से जितनी पेशियों पे हमें कोर्ट ने बुलाया, हम ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म पे गए, हम पेश हुए, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमने कोई दर नहीं छोड़ा। ऑनरेबल कोर्ट्स का एक तरीके से इंसाफ फराम करना या कोई केस अगर जाता है तो कहते हैं कि एक जज का भी ट्रायल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी अदलिया इस ट्रायल में, इस इम्तिहान में पास हुई है कि आज PPMPA बुरहान चांडियो की ज़मानत रद्द हुई है। ये सिंध की आवाम, मजलूम आवाम की जीत है, सिर्फ मेरा केस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ ये सिंध के मजलूमों का केस है, पाकिस्तान के मजलूमों का केस है और मेरी जदोजहद धरती के मजलूम ही इनके लिए है। आज देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA जो ख़ुद को सरदार, नवाब, वडेरा लकब देख के जो फिर रहे होते हैं, वो सरदार में से फरार बन गए। आप देखें आज वो अदालत से फरार हो गया है और वो इतना डरे हुए हैं कानून से कि मैं एक 22 साल की बच्ची उनके खिलाफ जब मैं खड़ी हूँ, मैं अपने हक़ की बात कर रही हूँ, तो वो अदालतों से डर कर आज भी मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों सिटिंग MPAs हैं जो कातिल हैं मेरे बड़ों के। मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि ये मुलविस हैं और ज़ाहिर FIR भी इन पे ही कटी हुई है पहले दिन से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं एक सिंपल सवाल करना चाहूँगी कि वो पहले तो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे MPAs ने कुछ किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि उनके MPAs मुलविस हैं और आज उसी कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बुरहान चांडियो को जाकर गिरफ़्तार किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिर भी मैं गुजारिश करूंगी अच्छे लफ्ज़ों में कि अगर आप अपनी थोड़ी सी भी साख बचाना चाहते हैं तो इनको अरेस्ट कराएं, अपने MPAs को पेश कराएं। नाजिम जोखियो का जो वाक़या हुआ उसमें आपने MPA को डी सीट किया है, आप इसको मुअत्तल करें क्योंकि ये तो फरार है, फरार मुजरिम जिसको मुलविस करार दिया गया, आज अदालत ने फैसला दिया है कि उसको जाकर पकड़ें, वो आकर सरेंडर करे अदालत के सामने, तो और क्या चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे कि हम कितने सबूत दें। CM साहब हर मामले पे नोटिस लेते हैं, मैं आज यहाँ पे बैठ के उनसे ये गुजारिश करती हूँ, CM साहब इस मामले पे भी थोड़ी नज़रसानी करें, मैं सिंध की बेटी हूँ। अब तो अदलिया ने भी हुक्म दिया है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रही कि ये मुलविस है, अब तो पाकिस्तान की ऑनरेबल अदालतें कह रही है कि ये मुलविस है, तो आप इनको जो है इस चीज़ पे नोटिस लेकर IG साहब से बात करके इनको आप पेश कराएं, इनको अरेस्ट करवाएं। अदरवाइज देखिए मैं ज़रूर कहूँगी, हम आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा जो मेन मकसद यही है कि हमने पुलिस को कल सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया है, कल सुबह 11 बजे तक अगर सिंध पुलिस कोई इसमें गिरफ्तारी करती है, कोई उसमें कदम उठाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है हमें ये हाथ से मैं ज़रूर कहूँगी कि ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम कल सुबह 11 बजे मेहड़ बाईपास पे अटक पेट्रोल पंप के सामने धरना दे रहे हैं। मैं सिंध की पूरी आवाम से गुजारिश करती हूँ, मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं या जो जो मेरे कॉज को सपोर्ट करते हैं फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट, एक तो मेरे इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं और दूसरा सरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जो मैं जदोजहद कर रही हूँ, मैं उन सब से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आकर मुझे ज्वाइन करें। अभी ये मैंने फैसला पाकिस्तान की, सिंध की मजलूम आवाम पे छोड़ा है, अपने भाइयों पे छोड़ा है कि आप लोग आएँ, अभी मुझे आपकी सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सिंध की गैरतमंद आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप आएँ मेरे साथ रोड पे बैठें और आकर मेरी इसमें मदद करें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो MPA बुरहान चांडियो जिसकी ज़मानत रद्द हुई है, हम उसको अरेस्ट करवाएँ। और मैं गुजारिश करूँगी अपने एक तो सपोर्टर्स को और जितनी भी सियासी, समाजी और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, सबसे गुजारिश है कि एक तो आप सब आएँ ज्वाइन करें, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते और आप यहाँ पे मुझे मेरे साथ बैठ नहीं सकते रोड पे, तो काइंडली इतना करें, एक तो सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग आवाज़ बने और आप लोग आवाज़ उठाएं कि MPA बुरहान चांडियो को अरेस्ट किया जाए और आप अपने अपने ज़िलों में जो है ये आप धरने दें, प्रोटेस्ट करें, मुजाहरे करें ताकि इस MPA को अरेस्ट किया जाए। देखें ये लोग भाग रहे हैं कानून से, मैं IG सिंध पुलिस को भी कहूँगी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये मैसेज दूँगी कि जितनी देर से ये लोग अरेस्ट होंगे, जितना टाइम ये भागेंगे,
उतनी ये हमारी तहरीक मजबूत कर रहे हैं। हम जो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर इसमें होश के नाखून ले कि उनका MPA फरार हो गया है अदालत से, तो उनको पेश कराया जाए। बिलावल साहब को भी मैं कहूँगी, CM साहब को भी मैं कहूँगी कि इस पर आप नोटिस लें, IG साहब से बात करें और अपने MPA को जितना जल्दी आपसे हो सकता है आप पेश कराएं। अदरवाइज सिंध की आवाम, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक इनकलाब आता हुआ देख रही हूँ, और वो इनकलाब इनकी पूरी जो सियासत है उसको भी रोन देगा। और मैं जो सिंध की बेटी हूँ, मैं नंगे पैर करके मैंने जितने एहतजाज किए हैं, मैं अदलिया की जो अदलिया के वक्कार की जंग लड़ रही हूँ। बेसिकली ज़ाहिर है मुझे बहुत से लोगों ने रोका टोका, मुझे बार बार कहा गया कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, पर मैं एक ही ज़िद पे अड़ी हुई हूँ कि मैं ये साबित करके रहूँगी कि पाकिस्तान की अदलिया में इंसाफ आज भी मौजूद है, क्योंकि मैं ख़ुद फ्यूचर की एक लॉयर हूँ। और हम ज़ाहिर यही चाहते हैं, ये कातिल ही हैं जो अदालतों को बदनाम करते हैं, और ये कातिल ही हैं जिनकी वजह से यही मशहूर होता हुआ आ रहा है। ये अपने अंदर कोर्ट्स बना के बैठते हैं सरदार लोग, ये यही समझते हैं कि ये कानून से बाला तर है। तो आज इस फैसले ने साबित किया है कि जागीरदाराना निज़ाम को भी एक धचका लगाए। और मैं आवाम से गुजारिश करती हूँ, जितना हो सके इस पे आवाज़ बुलंद करें, और आप सब आएँ कल 11 बजे सुबह के टाइम। मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब आएँ, मुझे ज़्यादा देर रोड पे ना बैठने दें, जितना हो सके जल्दी इनको अरेस्ट किया जाए। अदरवाइज जितने दिन हमें बैठना पड़ा, हमारे पास बेसिकली 2 दिन हैं, इनकी जमानत जो रद्द हुई है इनको अरेस्ट कराने के लिए 2 दिन है। तो आए आवाम, मुझे 2 दिन रोड पे बैठना पड़ा, मैं बैठूंगी। और अगर इससे भी इन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिंध पुलिस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे जो मुजाहरों के दायरे हैं हम पूरी सिंध में बढ़ाएंगे। हम IG साहब की ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा, हम वहाँ पर भी जाकर बैठेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द MPA बुरहान चांडे, जो फरार हो गया अदालत से, जो भगोड़ा भाग गया है नाम निहाद सरदार, उसको अरेस्ट किया जाए।